फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय YouTube चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिमिल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आप सबकी क्वेरीज थी कि सर रैबिट अगर हम सीख रहे हैं तो रैबिट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना चाहिए, यानी चाहे वो रैबिट स्ट्रक्चर हो चाहे रैबिट आर्किटेक्चर हो, अगर हम कहीं पर भी सीख रहे हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको अच्छे तरीके से आना चाहिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो आप अगर कुछ भी सीख रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंडस्ट्री में कौन से टॉपिक्स को यूज करना है। तो इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा टॉपिक्स यूज किया जाता है दैट इज डुप्लीकेट। बहुत इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेट। अगर आपको नहीं आता बनाना हर एक कमांड का, हर एक कंपोनेंट का, तो आप समझिए कि आपको सबसे बड़ी चीज नहीं आ रही है। इसके बाद होता है लेवलिंग। लेवलिंग इन द सेंस आप देखते हो कि फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, केवल उतना नहीं होता। लेवलिंग मतलब आपको हर एक काम के लिए एक नया नया लेवल देना है। मीन सीलिंग के लिए अलग देना है, आपको बीम के लिए अलग देना है, और फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की तो आपको देना ही देना है। तो ढेर सारे लेवल्स आ जाए तो उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसके बारे में जरूरी आप समझो कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमको अलग अलग ग्रिड्स बनाने का। मीन्स इफ यू हैव अ प्लान, आपके पास प्लान है तो उसको प्रॉपर उस प्लान के लिए ग्रिड कैसे तैयार करोगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉलम प्लेसमेंट करना है तो ग्रिड बनाना बहुत जरूरी है कि ग्रिड किस तरीके से बनाएंगे। और उसके बाद अगर ग्रिड बना लिया तो कॉलम का प्लेसमेंट, मीन्स स्ट्रक्चर पार्ट के मैं ऐड कर रहा हूँ, कॉलम को किस तरीके से प्लेस करेंगे, उसका ओरिएंटेशन क्या रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन समझ रहे हैं आप, किस तरफ उसका फेसिंग करेंगे उस कॉलम का जिससे कि वो प्रॉपर दिखे, और मीन्स अगर लोड के वर्सेस भी देखेंगे तो प्रॉपर अच्छे से काम करें। इस तरीके से आपको लोड ओरिएंटेशन मीन्स कॉलम ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा। बीम जो आप रख रहे हैं बीम का डेप्थ और विड्थ आपको चेक करके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो वो स्ट्रक्चर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके साथ फुटिंग, फुटिंग कौन से टाइप्स का यूज कर रहे हो, अगर बाय डिफॉल्ट आइसोलेटेड वगैरह है तो उसके अंदर है, अगर कोई स्पेशल टाइप्स की फुटिंग है तो उसको आपको फैमिली से, रैबिट फैमिली से क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करके ही आप बना सकते हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो आपको बनाना आना चाहिए हर टाइप का। जैसे कि मैं एक इंटरव्यू में, मैंने आपको पहले साथ वीडियो में डिस्कस किया है कि मैं एक इंटरव्यू में गया तो वहां पर उन्होंने मुझे मैट फाउंडेशन का सेक्शन काट के दे दिया। दे सेड कि जस्ट आई वॉन्ट टू सी सेम लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो मैंने सोचा यार कि ये क्या है, तो क्योंकि पता है क्या, वो कट करके दे रखा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि है क्या। बट बहुत देर बाद जब मैंने उसको फोकस किया तो मुझे समझ आया कि तो मैट फाउंडेशन, उन्होंने बताया नहीं था कि है क्या, तो मैट फाउंडेशन का सेक्शन दिख रहा है। तो फिर मैंने क्रिएट किया, जुगाड़ से क्रिएट किया था बट हो गया था, मतलब उनको अच्छा लगा था, उन्होंने बोला ओके, मतलब नॉट गुड, ओके था। और इसके बाद अगर आपको क्या बोलते हैं नहीं आ रहा है, उसमें रिवार डालना, रिवार डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवार के लिए आपको वहां पर सेफ कोड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो सेफ कोड के अकॉर्डिंग रिबार अगर ऐड करना नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं आ रही है। रिबार चाहे कॉलम हो चाहे बीम हो, सब में रिबार, फुटिंग में रिबार आपको डालना आना चाहिए अच्छे तरीके से, और उनका क्वांटिटी निकालना अच्छे से आना चाहिए कि आपने रिबार डाला है तो कितना उसका क्वांटिटी। वैसे मैंने एस्टिमेशन वाला जो पार्ट था रैबिट का, उसमें क्या बोलते पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में मैंने पार्ट फोर भी मैंने डिस्कस किया है। तो लगभग मैंने एस्टिमेशन पार्ट डिस्कस कर लिया है, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है जिसको मैं जल्दी कोशिश करूंगा। यार देखो, आप लोग ना कई क्वेरीज डालते हो कि सर आप रैबिट के कुछ, मतलब सॉफ्टवेयर के कुछ टॉपिक्स को तैयार करिए। यार मैंने किया भी पीछे तो, बट क्या होता है ना कि जब मैंने बहुत मन लगा के टॉपिक्स तैयार किए, बहुत टाइम भी लगता है, तो टॉपिक्स तैयार करने के बाद जब हम यूनिंग में इसके व्यूज देखते हैं, क्योंकि देखिए व्यूज ना एक मोटिवेशन होता है। जैसे आप फेसबुक पर अगर कोई फोटो डाले अच्छी सी और उस पर लाइक ही केवल 10 आए तो क्या लगता है क्या यार 10 लाइक। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अपने लाइक चैनल पे कि हमने एक वीडियो डाला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, मान लो जैसे अभी मैंने पीछे सिस्मिक एनालिसिस का शायद या विंड एनालिसिस का मैंने डाला था ई टेस्ट में, तो जब मैं देखा कि पहले दिन जब मैंने उसको देखा तो उसमें केवल 50 व्यूज थे, इतना डिमोटिवेशन हुआ कि यार क्या है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को केवल 50 पर्संस ही देखे, तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से फिर मुझे ना भी, मतलब फिर सोचता हूँ बट लोग उसको इतना रिस्पांस नहीं करते तो फिर मेरा मन नहीं करता। यार कोई भी इंसान, में भगवान तो हूँ नहीं, तो कोई भी इंसान होगा अगर उसको लाइक्स या व्यूज नहीं मिलेंगे, करना क्या है, लाइक्स तो आप देते हो, ये तो थैंक यू यार, मेरे जितने व्यूज होते हैं उससे उसके बराबर या उससे थोड़ा बहुत ही कम लाइक्स तो मिल जाते हैं, थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए है। बट हम बहुत कम है, मीन्स बहुत कम लोगों तक पहुँच पाते हैं, इसकी वजह से व्यूज कम आते हैं, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। बट
आप लोगों के लिए मैंने कुछ स्पेशल तैयार कर दिया है। मंडे को उसकी लॉन्चिंग होगी, मंडे को आपको ई टैप्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको ला दूंगा। मैंने कोई उस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अब आपके दिमाग में नहीं आएगा कि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऐड किया हूँ, क्योंकि मैंने केवल केवल 2000 में ही आपको अवेलेबल करा दिया है। उसका मेन रीज़न ये था कि कई लोगों ने मुझे क्वेरीज डाली थी, सर जिसके पास पैसे ना हो वो कैसे सीखेगा, तो इसीलिए मैंने 10,000 20,000 का जो मतलब फी स्ट्रक्चर दिखाऊं सबको वो वाला मुझे आदत नहीं है, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ यार। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज़ में आपको मंडे को अवेलेबल करा दूंगा, मंडे को आपको लॉन्च हो जाएगा, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अब उसमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए भी मेरे पास एक मैंने एक ट्रिक लिया है। जो मंडे से पहले मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके प्री रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, मीन्स अगर वो क्या बोलते हैं प्री रजिस्ट्रेशन करवा लिया कोर्स आने से पहले, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बिलीव होगा मेरे लिए तभी वो करवाएगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मैं 1,000 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा, उसको 2,000 भी नहीं देना पड़ेगा, मीन्स 50% ऑफ हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए जो मेरे साथ यूट्यूब पे काफ़ी दिन से कनेक्ट हैं, जिनके मैं टॉपिक्स को हमेशा बताता रहता हूँ, तो आप लोग फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेना और आप 1,000 रुपीज़ मतलब 1,000 रुपये में, जितने में यार मतलब कि एक दिन की जो पिज्जा की पार्टी होती है बस उस अमाउंट में आपको कंप्लीट ई टैप्स का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर पी डेल्टा एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, पीईबी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, और उसके साथ स्टील स्ट्रक्चर, उसके साथ कंक्रीट स्ट्रक्चर, सबका लेवल मैंने कवर किया है, मीन्स सब कुछ कवर कर रहा हूँ। आप मेरी आंखें देख सकते हो, मैंने पूरी रात में उसको तैयार किया है पूरा का पूरा, अभी और भी बहुत काम बचा हुआ है, तो अभी मैं इसमें पूरा काम कर रहा हूँ। तो जिसको भी मिली है फटाफट व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग 1,000 रुपीज़ में केवल रजिस्ट्रेशन करा लो, आपको मिल जाएगा। और जो मतलब कि जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, मंडे को वेट करो, मंडे को आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको जो भी ठीक लगे उसको कर लीजिएगा। अब रैबिट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। रैबिट स्ट्रक्चर वैसे मैं इनके लिए भी कोशिश करूंगा, बट आफ्टर ई टैप्स। रैबिट स्ट्रक्चर में और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, रैबिट स्ट्रक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है उसका कंपोनेंट बनाना। कंपोनेंट उसमें क्योंकि क्या होता है कि रैबिट स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, अगर जिसने भी रैबिट चलाया होगा, बहुत कम कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, डोर विंडो ये सब चीज़ें बहुत हैं, बट स्ट्रक्चर के कोई भी कंपोनेंट नहीं है। जैसे अगर प्रीकास्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, प्रीकास्ट के ब्रिक्स नहीं है इसके अंदर, प्रीकास्ट के ब्रिक्स के ब्लॉक नहीं है, तो वो सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है, हमें बनानी पड़ती है। तो उसको बनाने के लिए आपको कोशिश करना है कि आप प्रॉपर बना सके, उसके लिए रैबिट फैमिली की बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब फैमिली में भी दो टाइप्स की फैमिलीज होती हैं, क्या क्या, एक होता है पैरामेट्रिक, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में क्या होता है, आप उसके अंदर डायमेंशंस दे देते हो, और नॉन पैरामेट्रिक जस्ट एक लाइक ब्लॉक बना देते हो किसी भी साइज का, उसको आप मैनेज करके आप लगा लेते हो। तो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, और इसका मतलब इंटरव्यू में अगर मैं बात करूँ, इंटरव्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट ऑफ रैबिट फैमिली, ठीक है, तो अब आप क्या बोलते हो, RFT .RFT, भैया ये रैबिट फैमिली टेम्पलेट्स है, .RFT इज रैबिट फैमिली टेम्पलेट। उसने क्या पूछा था, मतलब इंटरव्यूअर ने क्या पूछा था, रैबिट फैमिली का फाइल फॉर्मेट क्या होता है, तो उसका फाइल फॉर्मेट होता है .RFA .RFA। तो आप इसको क्या बोलते हैं, इसके थोड़े से इंटरव्यू के क्वेश्चन तो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं रैबिट से, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको इसके अंदर आना चाहिए मैसिंग एंड साइट। मैसिंग एंड साइट क्या होता है, ये क्लोज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। बिल्डिंग का ट्विस्ट कर दें तो किस तरीके से आएगा, उसको कैसे उसका वो होगा, ट्विस्ट करते टाइम किस किस चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, मीन्स कितनी ट्विस्टिंग करें कि स्ट्रक्चर फेल ना हो, आपको ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके अलावा टाउन प्लानिंग, इसके अंदर टाउन प्लानिंग की सबसे अच्छी एडवांटेज है कि उसमें टाउन प्लानिंग आपको करना आना चाहिए। टाउन प्लानिंग कई लोग कर लेते हैं कि मीन्स इतना एरिया ग्रीनरी है, इतना एरिया पार्क है, अगर अगर अगर, बट वैसा नहीं। टाउन प्लानिंग का मतलब होता है कि बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो करो, और बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो करके उसके अंदर ग्रीन एरिया कितना परसेंट छोड़ना है, उतने परसेंट में ग्रीन आप बनाओ अपना जो भी स्ट्रक्चर बना, मतलब कि जो भी आप गार्डन वगैरह बनाना चाहते हो, कितना एरिया आपको प्ले ग्राउंड के लिए छोड़ना है वो आपको वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से दिखाओ। मीन्स आप बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो नहीं करके अगर ऐसे नॉर्मल कहीं से भी कुछ भी स्ट्रक्चर डाल दो तो गलत होगा, मीन्स आप फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर अच्छे तरीके से नहीं बना पाओगे उसको, और सामने वाला देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा है बना तो लेता है बट ही इज नॉट प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनलिज्म के लिए आपको क्या चाहिए, परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए कि हमें FAR हमारा क्या होगा, और उसके साथ हमारा बिल्टअप एरिया हमको कितना छोड़ना है, कारपेट एरिया हमको कितना छोड़ना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए
अब जैसे आप बिल्डिंग प्लानिंग करते हो, टाउन प्लानिंग, तो मैं डिस्कस करता हूँ अपने क्लास में, जैसे कि टाइप ए, टाइप टू, टाइप थ्री, थ्री टाइप की बिल्डिंग आपको बनानी होती है, जैसे कि 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, या 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहता है। तो 1 BHK के लिए आप कितना जगह दे रहे हो, इसको कितने में सेल करना है, 2 BHK के लिए कितना दे रहे हो, 3 BHK के लिए कितना दे रहे हो, और उसके बाद सब कुछ बना लिया तो उसके बाद उसकी कॉस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर से आ जाते हैं आप एस्टिमेशन पे। तो एस्टिमेशन कैसे कर पाओगे, बहुत ईजी है। क्या आपको ब्रिक्स की क्वांटिटी आनी चाहिए, सीमेंट की क्वांटिटी आनी चाहिए, और सैंड की क्वांटिटी आनी चाहिए। और जैसे कि अभी 1 m³ में कितने ब्रिक्स होती है, सबको पता है 500 ब्रिक्स होती है। तो टोटल कितने m³ एरिया है, कैलकुलेट कर लो, 500 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने उसके लिए PPT भी दिया हुआ है आपको, रेविट एस्टिमेशन वाले, जो आप खोलेंगे ट्यूटोरियल को उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना, पार्ट टू में है। तो उसमें PPT में प्रॉपर हमने दिया हुआ कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं सीमेंट, सैंड एंड लाइक दैट ब्रिक, तो उसके बारे में मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका बनता है, जैसे कॉल आउट कमांड है। कॉल आउट कमांड क्यों, क्योंकि सेपरेट कंपोनेंट करना है तो कॉल आउट की यूज बहुत ज़्यादा होता है, इसके बारे में भी पढ़ना, और भी बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हैं। तो एक एक वीडियो और बनेगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो बन रहा है, तो पार्ट टू लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको और बताऊँगा कि और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए रैबिट स्ट्रक्चर और रैबिट आर्किटेक्चर में, तो आपको और क्लियर होगा कि अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो जल्दी ही बस थोड़ा सा वेट करो, पार्ट टू जिसको चाहिए नीचे कमेंट करना कि सर पार्ट टू भी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी बीच में बताया कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, प्री बुकिंग करना है, तो आपके लिए एक फायदे की बात हो जाएगी, फटाफट आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, आपको प्री बुकिंग में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज से मिल जाएगा, जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट है। कोई भी कितना भी कि उसके पास पैसे की कमी हो, 1000 रुपीज तो आराम से पे कर सकता है। और आप लोग मुझे अप्रिसिएट भी करना, क्योंकि मैंने सिर्फ 2000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट कोर्स ला के दिखाया है, जो कि शायद इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। लोग पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो मुझे पता है कि यार स्टूडेंट को कि इतना पैसे कहाँ से लाएगा, मतलब कि अगर इंस्टीट्यूट में भी जाता है 20,000-30,000 रुपीज़ फीस भरो, 10,000 रुपीज़ फीस भरो, कहाँ से ले आके आएगा यार, खुद ही एक तो रोजगार तो मिल नहीं रहा है। तो मैंने वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को आपके लिए समझते हुए, क्योंकि मैं खुद भी उसी जर्नी से निकला हुआ हूँ, तो वो सब कॉन्सेप्ट रखते हुए ही मैंने ये सब चीज़ें बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही प्यार करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, जिससे कि हम और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।